आज हम बनाएंगे कमल गट्टा। ये कुछ लोग इसे कमल ककड़ी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है। आइए हम इसे बनाते हैं। इसे मैंने इस तरीके से काट लिया है गोल गोल, हल्का पानी से वॉश भी किया है। ये पानी के अंदर पाई जाती है इसलिए इसमें कीचड़ बहुत ज़्यादा होता है। सबसे पहले इसको ईजीस्ट तरीके से अपन वॉश कैसे करें वो देखते हैं। सबसे पहले हम पतीले में पानी ले लेंगे, स्टोव में रख के एक स्पून नमक और एक स्पून हल्दी डालेंगे। अब हम अपनी सब्जी को इसमें डाल के अच्छे से बॉईल करेंगे। इसके अंदर की जितनी गंदगी और बैक्टीरिया है वो सब कुछ इस पानी में अच्छी तरीके से वॉश हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से उबलने देते हैं। साइड हमने स्टोव लेम में कुकर चढ़ा दिया है। इसमें हमें 2 चम्मच सबसे पहले घी डालना है। घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। ये कड़ी पत्ता, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है। इसको तीनों को बराबर मात्रा में मिला के मैंने पेस्ट तैयार किया। इसे अच्छी तरीके से भूंज लेंगे। देखिए सब्जी भी यहाँ पे अच्छी तरीके से वॉश हो गई है। अब हम इसे छना लेंगे और ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर लेंगे। मैंने 3 छोटी प्याज ली हुई है यहाँ पे। इसको भी हम अच्छे तरीके से लाइट पिंकिश होने तक भूंज लेंगे। प्याज अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून मिर्च पाउडर और हम इसमें धनिया ऐड करेंगे 3 स्पून। अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे, हल्का भूज लेंगे। अब हमें इसमें कड़ी पत्ता डालना है। ऐड करना है अब टमाटर की प्यूरी। मैंने 2 छोटे टमाटर यहाँ पे लिए हुए हैं। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड कर लेंगे कटी हुई कमल ककड़ी। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये क्लीन हो गई है। बहुत ईजीस्ट तरीका है ये इसको वॉश करने का। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। इस तरीके से काट लिए हूँ मैंने 1 सिंगल बड़ा आलू। इसमें मिक्स किया हुआ है जिसे हम इसे मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसे भूंजेंगे। 1 स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और हमें इसमें ऐड करना है 1 स्पून गरम मसाला। ये गरम मसाला होममेड है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको गरम मसाला किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं उसकी रेसिपी भी बताऊंगी। इसमें ऐड करना है वाटर। यहाँ मैंने 2 ग्लास वाटर लिया है। ज़्यादा तरी वाला खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा और ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा उबाल आने पे हम कुकर का ढक्कन बंद करके कम से कम 4 से 5 सीटी इसमें लगाएंगे। आइए ढक्कन खोल के देख लेते हैं। मेरी सब्जी रेडी हो गई है। जो इसमें गरम मसाला यूज़ किया है घर का बना उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। कम मसाले में इतनी अच्छी टेस्टी सब्जी। अगर आपने कभी ना बनाई हो कमल गट्टे की सब्जी तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कमल गट्टे की सब्जी कैसी लगी।